पहले ही हमारी थाली से धीरे धीरे खाने का सामान कम होता जा रहा है। अपने बच्चों को खिलाना पहले बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई हो रही है कि पहले ही हम लोग अपने परिवार का ठीक से पेट नहीं भर पाते हैं। सोचना पड़ता है कि पहले गरीब इंसान किस तरीके से पालेगा। अगर 225 रुपये लीटर का सरसों का तेल मिलेगा, सिलेंडर अब 1100 के आसपास पहुँचा हुआ है, दूध के आए दिन दाम बढ़ाते जा रहे हैं, कैसे गरीब इंसान अपने बच्चों को पालेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो यही कहती है कि महंगाई तो आती जाती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार ने, ये अभी एक ही तरफ किसी एक ही इंजन वाले बन गए, सिर्फ पूंजीपति की तरफ जा रही है इनकी गाड़ी, गरीबों की तरफ कोई नहीं आ रही है। जो भी पॉलिसी ये लेकर आ रहे हैं सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लेकर आ रहे हैं, फायदा किसको हुआ। अभी जैसे 2 दिन पहले ही खबर आई है कि अडानी विश्व में 4थे नंबर पर सबसे अमीरों में आ गया है। किसका पैसा है वो? हम आम जनता का पैसा है ना। महंगाई को जो इतना ज्यादा करके जो उन्होंने हम जनता को निचोड़ा है, वो अडानी ने पैसा वहीं से तो बनाया है, कहाँ से ये पैसा आया है। क्या महंगा हो गया है, क्या हर चीज किचन पर हर चीज महंगी हो गई है। सोचना पड़ता है गैस जलाने से पहले कि ये एक महीना निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। दूध आता है तो सोचना पड़ता है कि भाई अब क्या, ऐसा क्या करें जो कम से कम में गुजारा हो जाए। तो आम इंसान कितने बेहाल है, रोजगार पहले ही नहीं है, महंगाई पहले ही, सिलेंडर तो पहले ही पहुँचा चुके हैं। मोदी जी कह रहे थे कि घर में उज्ज्वला योजना हो चाहे कुछ भी हो। आजकल हम देख रहे हैं उज्ज्वला योजना का क्या कर रहे हैं, सिलेंडर को काट कर बीच में छेद बना कर लकड़ियाँ डालकर उसमें आग जलाकर खाना पका रहे हैं, या उसको स्टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। हमने तो सिलेंडर को उज्ज्वला योजना में किसी को भी सिलेंडर को यूज़ करते ऐसे देखा है, उस पर खाना पकते हुए किसी को नहीं आजकल हम देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं ले जाओ अपना सिलेंडर, और हमें जो पहले मिलता था हमें वही रेट पर हमें सिलेंडर चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये वाला आपकी उज्ज्वला योजना।